नमस्कार दोस्तों, अमित क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पढ़ते हैं, जो यूपी पुलिस के SI में एक टॉपिक है मूल विधि के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इसकी जो अधिनियम की संख्या है वो 28 है। 1961 में ये 28वां अधिनियम था, और जो इसको राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली 20 मई 1961 को मिली, और ये लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को। कौन से वर्ष हुआ? जो भारत का जो गणराज्य 26 जनवरी 1950 को भारत जो गणराज्य बना, तो गणराज्य के 12वें वर्ष इसे अधिनियमित किया गया, और कुल धाराएं इसमें 10 हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 के 5 क्वेश्चन है। इसका अधिनियम संख्या भी पूछ सकते हैं, इसको राष्ट्रपति की मंजूरी भी पूछ सकते हैं, ये कब लागू हुआ यह भी पूछा जा सकता है, और ये कैवे वर्ष, गणतंत्र भारत के कैवे वर्ष इसे अधिनियमित किया गया, 12वें वर्ष, ये भी पूछा जा सकता है। और इसमें कुल धाराएं कितनी है? 10 धाराएं हैं। नंबर 1 धारा कहती है कि इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और इसका प्रारंभ कब हुआ। जो धारा 1 है वो कहती है कि इसका जो संक्षिप्त नाम क्या है और इसका विस्तार कहाँ तक है, और यह प्रारंभ कब हुआ, कब इन्फोर्स हुआ, कब लागू हुआ। तो संक्षिप्त नाम है इसका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, और विस्तार है इसका जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। लेकिन वर्तमान में धारा 300, वो संविधान के अनुच्छेद 370 समाप्त होने पर जम्मू कश्मीर से वहाँ 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया। 1 जुलाई, जो इसका प्रारंभ 1 जुलाई 1961 को है, केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा से प्रकाशित किया गया इस डेट को, 1 जुलाई 1961 को, जिसको इनफोर्स या लागू होने की डेट कहा गया। धारा 2 है दहेज पर की परिभाषा। दहेज की क्या परिभाषा है, आइए देखते हैं। ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब है जो IPC में सेक्शन 30 दे रखा है। जब हम IPC पढ़ेंगे आगे, तो इसमें सेक्शन 30 धारा 30 आएगी, उसमें बताया गया कि मूल्यवान प्रतिभूति क्या है, उसे वहां पढ़ेंगे मूल्यवान प्रतिभूति। ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति को ऐसा दस्तावेज जो किसी को अधिकार देता हो, या किसी को स्वामित्व देता हो, या किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देता हो, कोई भी ऐसा दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात। ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के समय या विवाह से पहले या विवाह के बाद, किसी भी समय, या तो विवाह से पहले दी गई हो, या विवाह के बाद दी गई हो, या विवाह के समय दी गई हो, किसी भी समय विवाह के पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, जो विवाह का, विवाह के जो पक्षकार हैं वो एक दूसरे को जो देते हैं, या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को, जो विवाह के जो पक्षकार हैं वर और वधु, उनके, उनमें से किसी के भी माता पिता किसी भी पक्षकार को, या तो वर वर के जो माता पिता है वधु के, वधु को, जो वधु के माता पिता हैं वो वर को। तीसरी बात है, विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता द्वारा अन्य व्यक्ति को जो पक्षकारों से संबंधित हो। तो 3 बात है इसमें, विवाह के पक्षकार एक दूसरे को जो देते हैं या देने का करार करते हैं, या जो पक्षकार हैं वर और वधु हैं उनके जो माता पिता हैं वो किसी भी पक्षकार को देते हैं या देने का करार करते हैं। तीसरी बात, जो पक्षकार हैं उनके माता पिता किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं या देने का करार करते हैं, वो दहेज है। लेकिन इसमें एक बात और है, जो जिन लोगों पर, नोट करके, जिन लोगों पर मुस्लिम विधि, मुस्लिम विधि शरीयत कानून जो होते हैं, शरीयत,
लागू होती है, तो इसके अंतर्गत मेहर नहीं आती, मेहर नहीं आती। किसके अंतर्गत? दहेज के अंतर्गत। जिन लोगों पर मुस्लिम विधि लागू होगी तो मुस्लिमों में एक चलन है मेहर का, शादी के समय जो वर पक्ष है वो वधू पक्ष को मेहर देता है, तो इस दहेज के अंतर्गत वो मेहर नहीं आने, क्योंकि जो हिंदू रीति रिवाज में मतलब विवाह एक संस्कार है, लेकिन मुस्लिम विवाह में विधि में जो विवाह है वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन होने के लिए पक्षकार का होना आवश्यक है और प्रतिफल का होना आवश्यक है और करार का होना आवश्यक है। तो उसमें दो पक्षकार हैं, वधू और वर, और उसके अंतर्गत प्रतिफल जो है वो मेहर के रूप में प्रतिफल आता है, मेहर के रूप में जो प्रतिफल है कंसिडरेशन है, और जो उनके बीच एक करार होता है, एक एग्रीमेंट लिखा जाता है जिस पर मेहर लिखी जाती है, तो ये कहा गया कि दहेज के अंतर्गत मेहर की रकम नहीं आती है। तो धारा दो है, दहेज की परिभाषा बताती है। दहेज की परिभाषा धारा एक बताती है कि जो अधिनियम है इसका संक्षिप्त नाम क्या है, और दूसरा इसका कहाँ विस्तार है, तीसरा बात कहती है कि यह प्रारंभ कब हुआ, और इसकी जो अधिनियम संख्या कितनी है, 28 है, और राष्ट्रपति की इसकी मंजूरी कब मिली, 20 मई 1961 को मिली, और जो ये लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ, और जो गणराज्य भारत है उसके 12वें वर्ष इसको अधिनियमित किया गया, और इसमें जो धाराएं कुल 10 हैं, पहली धारा आपको बताइए, दूसरी धारा बताइए दहेज की परिभाषा, आइए तीसरी धारा देखते हैं। धारा 3, धारा 3 कहती है दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति, दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति, शास्ति मतलब पेनल्टी। दहेज देने या लेने के लिए कोई व्यक्ति अगर दहेज लेगा या देगा, या दहेज लेने या देने के लिए उकसाएगा, तो वह 5 वर्ष के कारावास से और 15,000 जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि दहेज की रकम 15,000 से ज्यादा है तो वो दहेज की रकम से दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है, या लेने या देने के लिए उकसाता है, तो वह 5 वर्ष के कारावास और 15,000 जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर दहेज की रकम 15,000 से ज्यादा की है तो उसे दहेज की रकम के जितना जुर्माना दिया जाएगा। तो धारा 3 कहती है दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति। क्वेश्चन आता है दहेज देने के लिए शास्ति किस धारा में दी गई है, लेने देने के लिए शास्ति किस धारा में, धारा 3 में। धारा 2 में थे कि जो कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के पक्षकार, विवाह के पक्षकार कौन होंगे, पक्षकार में दो ही लोग होंगे, वधू या वर, वधू या वर। जो दहेज है वो लड़की पक्ष वाला लड़के से मांगता है या लड़का पक्ष वाला लड़की पक्ष से मांगता है, कोई भी मांग करता है ऐसी संपत्ति की या मूल्यवान प्रतिभूति की, या करार करता है देने का या लेने का, तो वो दहेज के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई दहेज लेगा या देगा या देने के लिए उकसाएगा तो वह 5 वर्ष के कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने से, या अगर 15,000 जुर्माने से दहेज की रकम ज्यादा है तो दहेज की रकम से दंडित किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत बिना मांग दी गई भेंटें नहीं आती, परंतु
यह तब तक की जबकि ऐसी भेंट दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची नियम 1985 के अंतर्गत सूची में दर्ज की जाती है। इस सूची का मतलब है ये जो दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची नियम 1985 है, जो केंद्र सरकार ने इसे बनाया है, जो नियम बनाने की जो शक्ति है केंद्र सरकार की है, उसमें यह है कि अगर जिस समय ये भेंट दी जा रही है, एक उसकी लिस्ट बनेगी, पर्ची बनेगी, सूची बनेगी कि ये सामान वधु पक्ष से वर पक्ष को दिया गया है, उसमें नाम खुलेगा, ये सामान इसको दिया गया या ये चीज या अंगूठी ये हार इसको दिया गया, लड़के की माँ को दिया गया, तो सब उस सूची में दर्ज होगा और वो उस सूची पर वर जो वधु पक्ष के तरफ से जो दहेज दिया जा रहा है वो भेंट दी जा रही है उस पर वधु के साइन होंगे और उस एक पर्ची को वधु अपने पास रखेगी और एक वर पक्ष को देगी। जो दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट नियम 1985 के अंतर्गत है। तुमने अक्सर सुना होगा कि जब विवाह होने के पश्चात जब सामान दिया जाता है सगाई वगैरह में, तो उसमें एक सूची नाम बोला जाता है कि ये सामान है, टीवी है, कूलर है, पंखा है, अड़गम सड़गम जो भी है वो बोला जाता है, तो वो उसी सूची की बात की जा रही है इस दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची नियम 1985 के अंतर्गत। उसमें लिखा जाएगा सामान, उस पर साइन होंगे लड़के के और लड़की के, एक जो सूची होगी वो लड़के को दी जाएगी और दो एक सूची लड़की अपने पास या अपने परिवार को देगी। तो ये थी धारा तीन। धारा तीन में इतना ही है कि जो दहेज देगा। हमने धारा दो में पढ़ा कि दहेज क्या है। दहेज क्या है? ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो पक्षकार आपस में लेन देन करते हैं या लेने का करार करते हैं वो दहेज है। और अगर ऐसा कोई दहेज देगा या लेगा तो उसे 5 वर्ष का कारावास और 15,000 जुर्माना। अगर दहेज की रकम 15,000 से ज्यादा है तो रकम जुर्माने के रूप में दहेज की रकम से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत जो विवाह शादी में जो भेंट दी जाती है वे दहेज के अंतर्गत नहीं आती। ये इनके लिए एक दहेज प्रतिषेध वर वधु सूची नियम 1985 बनाया गया है, जिसमें जितना सामान भेंट में दिया गया उसकी सूची बनेगी, उस पर लड़की के हस्ताक्षर होंगे और उस हस्ताक्षर समेत वो एक दूसरे को आदान आदान प्रदान की जाएगी। तो ये थी धारा तीन। आइए धारा चार देखते हैं। धारा चार, दहेज मांगने के लिए शास्ति। धारा तीन थी दहेज देने या लेने के लिए। यह है दहेज मांगने के लिए शास्ति क्या है? यदि कोई व्यक्ति वर या वधु के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संरक्षक से दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग करेगा, वह ऐसा कारावास से जो 6 मास से कम नहीं होगा किंतु 2 वर्ष तक का दिया जा सकेगा और 10,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो धारा चार है कहती है कि दहेज मांगने के लिए शास्ति, यदि कोई व्यक्ति जो वर या वधु पक्ष से उनके माता पिता से या उनके कोई सी रिश्तेदार नातेदार से या उनके संरक्षक से दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो 6 मास से तो कम नहीं होगा किंतु 2 वर्ष तक दिया जा सकेगा। लेकिन इसमें एक बात और है, अगर कोई पर्याप्त विशेष कारण है तो 6 मास से कम भी दिया जा सकता है, वो न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। लेकिन जो अधिनियम के अंतर्गत है वो 6 मास से कम नहीं होगा किंतु 2 वर्ष तक दिया जा सकेगा और जिसमें 10,000 रुपए जुर्माना भी होगा। तो हमने धारा 3 पढ़ी कि दहेज लेने या देने के लिए शास्ति,
उसमें 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना। अगर दहेज की रकम ज्यादा हो 15,000 से तो दहेज की रकम। अब धारा 4 है कि दहेज मांगने के लिए शास्ति, यदि कोई वर या वधु के माता पिता से या नातेदार से या संरक्षक से दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे ऐसे कारावास से जो 6 मास से कम नहीं होगा किंतु 2 वर्ष तक दिया जा सकेगा और 10,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये थी धारा 4। आइए धारा 5 देखते हैं। धारा चार विज्ञापन पर पाबंदी लगाती है। ऐसे विज्ञापन जिसमें वर या वधु पक्ष की तरफ से कोई समाचार पत्र में कोई ऐसा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, अगर वधु पक्ष है तो उसके जो वधु पक्ष द्वारा कि अगर कोई मेरी पुत्री से शादी करेगा तो मैं इतनी संपत्ति दूंगा, अगर वर पक्ष की तरफ से कि अगर मेरे पुत्र से कोई शादी करेगा तो मैं इतनी संपत्ति लूंगा क्योंकि मेरा पुत्र एक सरकारी सेवक है, तो इस तरह के जो विज्ञापन पर पाबंदी लगाई गई है धारा 4A के अंतर्गत। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे ऐसे कारावास से जो 6 मास से कम नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक का दिया जा सकेगा या 15,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 5 कहती है दहेज लेने देने के लिए करार शून्य होना। अगर कोई दहेज देने का या लेने का कोई एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ भाई मैं इतना शादी के बाद इतना या शादी से पहले इतना, कोई भी A to Z कोई भी एग्रीमेंट दहेज के संबंध में किया जाता है तो वो शुरू से ही शून्य होगा, उसे लागू एनफोर्स या उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, उसे लागू नहीं कराया जा सकता। तो धारा 5 कहती है दहेज के लेने देने के संबंध में कोई भी एग्रीमेंट वो शुरू से ही शून्य होगा। धारा 6 कहती है दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। जो दहेज की जो रकम होती है अगर वधु पक्ष की तरफ से अपनी पुत्री को दी जाती है, जो रकम दी जाती है वो केवल उस वधु के और जो वधु के जो बच्चे हैं उनके फायदे के लिए ही, जो उसके वारिस है उसके फायदे के लिए ही होती है। धारा सात कहती है अपराधों का संज्ञान। जो दहेज से संबंधित इस अधिनियम से संबंधित जितने भी अपराध हैं धारा 3 और 4 जितने भी अपराध हैं उनका जो संज्ञान लेगा वो कौन लेगा? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा, इनसे ऊपर का ही न्यायालय संज्ञान लेगा, इनसे नीचे का न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा। तो ये संज्ञान कब करेगा? संज्ञान स्वयं की जानकारी पर करेगा, पुलिस रिपोर्ट पर करेगा या माता पिता या नातेदार या समाज सेवा संस्था के द्वारा किए गए परिवाद पर करेगा। तो धारा 7 कह रही है कि इसका जो संज्ञान कौन लेगा? संज्ञान लेगा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसका संज्ञान लेगा। कब लेगा? या तो उसके सामने कोई इसकी जानकारी में ऐसा अपराध घटित हुआ वो स्वयं ले लेगा, या पुलिस रिपोर्ट पर लेगा, या उसके जो माता पिता हैं या नातेदार हैं या कोई समाज सेवा संस्था है वो जो शिकायत करती है या परिवाद करती है उस पर संज्ञान लेगा। तो धारा 4 के विज्ञापन पर पाबंदी, अगर कोई अपनी पुत्री या पुत्र का विज्ञापन करता है संपत्ति देने या लेने के संबंध में विवाह में तो ऐसे विज्ञापन पर पाबंदी है, अगर ऐसा कोई कर देता है तो उसे 6 मास से कम की सजा नहीं है और अधिकतम उसे 5 वर्ष तक दी जा सकेगी या जुर्माना 15,000 रुपए से दंडित किया जाएगा। धारा 5 कहती है दहेज लेने देने के लिए करार शून्य होगा, अगर कोई दहेज लेने देने के लिए कोई करार करता है तो वो शुरू से ही शून्य है। 6 धारा कहती है दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। दहेज का पत्नी या उसके फायदे के लिए होना, या तो दहेज जो दिया जा रहा है दहेज या तो पत्नी के लिए फायदे के लिए है या जो पत्नी के वारिस है बच्चे हैं उनके फायदे के लिए होगा, अन्य परिवार के किसी व्यक्ति के लिए नहीं होगा। धारा 7 कहती है अपराधों का संज्ञान। जो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जितने भी अपराध है इसका संज्ञान
महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का न्यायालय नहीं लेगा। कब करेगा? या तो स्वयं की जानकारी में ऐसा अपराध घटित हुआ और जब करेगा, या पुलिस रिपोर्ट पर करेगा, या माता पिता या नातेदार या किसी समाज सेवा संस्था की द्वारा किए गए परिवाद पर करेगा। आइए देखते हैं धारा 8। धारा 8 कहती है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपराध को जो होंगे वो संज्ञा होंगे या जमानती होंगे या सम्मेय होंगे। जो धारा 8 है वो कह रही है कि जो ये अधिनियम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसके अंतर्गत जितने भी अपराध है, जिन धाराओं में जो अपराध है दहेज मांगने के लिए या उकसाने के लिए या लेने के लिए या देने के लिए, उनका जो अपराध है वो संज्ञा होंगे। संज्ञा मतलब गंभीर प्रकृति के माने जाएंगे और नॉन बिलेबल होंगे, अजमानतीय होंगे और असमनीय होंगे। असमनीय का मतलब है कि समझौते पूर्ण नहीं होंगे। धारा 8 ए कहती है कुछ मामलों में सबूत का भार। कुछ मामलों में सबूत का भार, ऐसे व्यक्ति जो दहेज लेते हैं या मांगते हैं या लेने के लिए उकसाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर ही सबूत का भार होगा कि उन्होंने दहेज नहीं मांगा है, नहीं लिया है, नहीं दहेज मांगने के लिए या लेने के लिए उकसाया है। तो सबूत का भार उन पर ही होगा जो ऐसा कार्य करते हैं या दहेज मांगते हैं या लेते हैं और या लेने के लिए उकसाते हैं, तो उन पर ही सबूत का भार होगा। उन्हें साबित करना होगा कि नहीं, मैंने दहेज नहीं मांगा या मैंने दहेज के लिए नहीं उकसाया, तो उन्हीं व्यक्तियों पर सबूत का भार होगा। तो धारा 8 है कहते हैं उन्हीं कुछ मामलों में सबूत का भार। धारा बी है 8B, धारा 8B कहती है दहेज प्रतिषेध अधिकारी। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी, यह एक या एक से भी अधिक जैसी भी स्थितियों किए जा सकते हैं। एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी या अनेक दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। कौन करेगी? केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। धारा 9 कहती है नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति किसकी है? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। जो नियम बनाएगी केंद्र सरकार बनाएगी। इसमें खास बात है जो नियम बनाती है वो कि जो केंद्र सरकार इसके अंतर्गत जो नियम बनाती है उसे उसे संसद के दोनों सदनों में पारित कराना होगा और उसमें 30 दिन का समय होगा। 30 दिन के अंदर वो पारित किया जाएगा और पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वे प्रभावी होंगे। अगर सदन में पारित नहीं किए होता तो जो पिछले नियम है वही पूर्ण दोबारा से लागू हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे। तो नियम बनाने की शक्ति किसकी है? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार नियम बनाती है और उन्हें दोनों सदनों में पारित कराती है 30 दिन के अंदर। एक सत्र में 30 दिन पूरे हो जाएं या कई सत्र में 30 दिन पूरे हो जाएं, 30 दिन का टाइम है, 30 दिन के अंदर उसे पारित कराना होता है। अगर पारित नहीं होते तो पुनः जो पूर्व के जो नियम है वही लागू हो जाएंगे और ये नियम जो बनाए गए हैं जो पारित नहीं हुए ये अपना आप ही खत्म हो जाएंगे। धारा 10 कहती है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार नियम बना सकती है धारा 8B पर। धारा जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी केंद्र सरकार नियुक्त करती है वे कार्य कैसे करेंगे उसके लिए नियम राज्य सरकार बना सकती है कि उन्हें कैसे कार्य करना है उसके लिए नियम बना सकती है राज्य सरकार। लेकिन जो इनकी जो नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कौन करेगी? केंद्र सरकार। लेकिन ये कार्य कैसे करेंगे तो उसके लिए नियम बना सकती है राज्य सरकार। राज्य सरकार का भी यही प्रोसीजर होगा, वो भी विधानमंडल में 30 दिन के लिए नियम राज्य सरकार नियम बनाकर अपने विधानमंडल में 30 दिन
के अंदर उसे पारित कराना होगा, एक ही सत्र में हो जाए या दो सत्र में हो जाए या तीन सत्र में हो जाए, 30 दिन पूरे हो जाने चाहिए। 30 दिन पूरे होने अंदर अंदर 30 दिन के पारित हो गया तो ठीक, नहीं तो वो स्वयं नष्ट हो जाता है। तो ये था दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ा हमने, धारा एक में उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ था। धारा दो में दहेज की डेफिनेशन थी। धारा तीन में दहेज लेने या देने के लिए शास्ति थी। और धारा चार में दहेज मांगने के लिए शास्ति थी। तो हमने एक एक करके धारा 10 पढ़ी, तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम समाप्त हो गया। इससे संबंधित अन्य अधिनियमों में कुछ धाराएं हैं, जैसे आईपीसी में 304 बी दहेज मृत्यु से संबंधित धारा है, और आईपीसी में 498A वो भी एक तरह से दहेज से संबंधित है, क्योंकि उसमें भी एक तरह से उसको लड़की को ससुराल पक्ष दो द्वारा परेशान किया जाता है, उसके साथ क्रूरल्टी की जाती है, एक तरह से उसे टॉर्चर किया जाता है दहेज के लिए। तो वो धारा 498A भी दहेज से संबंधित है, 304 बी भी दहेज से संबंधित है, दहेज मृत्यु जिसमें वो जलाकर या किसी भी तरह से मार दी जाती है दहेज के लिए, शादी के 7 साल के अंदर अंदर सात मतलब शादी के 7 साल के अंदर अगर उसकी अप्राकृतिक मौत होती है तो यह समझा जाता है कि वो दहेज के लिए ही मारी गई है, अगर प्राकृतिक मौत है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये थे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जो आपके यूपी पुलिस में एसआई में एक टॉपिक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।